जय माता दी बंधु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे और खुश होंगे। बंधु, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के भविष्यफल के बारे में। तो इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। अंतिम तिमाही की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन रहेगी। अक्टूबर का समय भी तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। राशि के स्वामी शुक्र का केंद्र के स्वामी बुध के साथ त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाना, सूर्य का राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में मंगल के साथ सुख के घर में बैठना कार्य क्षेत्र वालों के लिए उत्तम परिणाम देगा। लेकिन व्यापार करने वालों के लिए यह समय थोड़ा संघर्ष में ही रहेगा। संघर्ष के बाद सफलता का योग बनेगा। परिश्रम करने पर सफलता मिलती नजर आ रही है। इस माह में विदेश संबंधी योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ही रहेगा। नवंबर का समय भी तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यापार व करियर को चमकाने वाला समय रहेगा, क्योंकि बिजनेस का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में शनि और बृहस्पति का बैठे होंगे। बृहस्पति और शनि दोनों का मार्गी हो जाना एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएगा, जिसके कारण बिजनेस का विस्तार व कार्य क्षेत्र में ही नई ऊंचाइयां छूने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन करके तुला राशि में मंगल के साथ केंद्र में बैठना, कार्य क्षेत्र दृष्टि डालना कार्यों में नई ऊर्जा का संचार देने वाला बन जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा समय रहेगा। धन के लिए भी उत्तम यानी धन लाभ होना तय है। वर्ष का अंतिम माह दिसंबर भी तुला राशि वाले जातकों के लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि सूर्य का शनि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में जाना, कार्य क्षेत्र को देखना कार्य क्षेत्र वालों के लिए उत्तम समय, लेकिन व्यापार बिजनेस वालों के लिए एवरेज परिणाम देना कह सकते हैं। इस अवधि में धन लाभ आपको होगा। प्रेमियों के लिए समय तो सही है, लेकिन वैवाहिक जीवन वाले जातकों के लिए इस समय संघर्ष से आपको गुजरना पड़ सकता है। संघर्ष के बाद बदलाव होगा जो आपके लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। तुला राशि 2021 के अनुसार वर्ष 2021 के पहले तीन माह की बात की जाए तो वह तीन माह आपके लिए सामान्य गति से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और मार्च का महीना भी ऐसा ही जाएगा। पर इसका अर्थ यह आप बिल्कुल भी ना निकालें कि इस वर्ष आने वाले समय में आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि शुरुआत बेशक धीमी हो सकती है, लेकिन वर्ष 2021 का अंत आपके लिए अवश्य ही धमाकेदार होने वाला है। तुला राशिफल 2021 के अनुसार आरंभिक समय के ऊपर थोड़ा विस्तार से बात करें। आपको बता दें कि शुरुआती समय में नौकरी पेशा करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वह बहुत अधिक हाथ पैर ना मारे। यदि वह अपने गुस्से और क्रोध के ऊपर काबू नहीं रखेंगे तो आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सभी नौकरियों में सुनना और राजनीति होती ही रहती है, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना है और किसी की बातों में नहीं आना है। आपके दोस्त आपके खिलाफ कुछ भूमिकाएं बनाकर कुछ ऐसा साबित करने की कोशिश करेंगे कि वह आपके साथ हैं, लेकिन आपको उनके जाल में नहीं फंसना है। आपको अपनी समझ से काम लेना होगा और आपको अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचना है। यदि आप वर्ष की शुरुआत में ही नौकरी का त्याग कर देंगे तब निश्चित रूप से वर्ष 2021 में आपके लिए बड़ी भयानक सी स्थिति होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मध्य वर्ष में शायद आपको नई नौकरी तलाशने में काफ़ी दिक्कतों का सामना होने वाला है। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं तो उनके लिए हम बता दें कि वर्ष के शुरुआती महीनों में शुरुआत बेशक धीमी थी, मार्च में भी ऐसे ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे भाग्य का स्वामी आपको मदद करना प्रारंभ करेगा तो आपका भाग्य चमकना शुरू कर देगा। अप्रैल माह के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने व्यवसाय में तरक्की करते हुए भी नजर आएंगे।
आपका काम यदि लोहे और पीतल से जुड़ा हुआ है तो आपको हमारी सलाह है कि आप भगवान शनि की पूजा अर्चना करना शुरू कर दें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका काम आपको लाभ प्रदान करता हुआ नजर नहीं आएगा। जो लोग मिट्टी और इससे जुड़े काम करते हैं उनको भी भगवान सत्यनारायण की आराधना कर लेनी चाहिए। तुला राशि भविष्यवाणी 2021 में प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन को देखा जाए तो यह क्षेत्र आपका सही सामान्य रूप से गुजरता हुआ नजर आने वाला है। आपको अपने साथी से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं लगानी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ आप खुद को बल्कि अपने साथी को भी परेशानी कर सकते हैं। आपको धैर्य का परिचय देना है और अपने क्रोध पर काबू रखना है। जो लोग पिछले काफी समय से अकेले हैं अब इस वर्ष 2021 में उनको साथी प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। वर्ष 2021 में शुक्र की स्थिति को देखकर बोला जा सकता है कि यह वर्ष दाम्पत्य जीवन के लिए भी एक बेहतरीन वर्ष गुजरने वाला होगा। आप दोनों ही समझ पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या महत्व रखते हैं। वर्ष 2021 तुला राशि फल में प्रॉपर्टी के बारे में नजर डालें तो वर्ष 2021 में तुला राशि के जातक प्रॉपर्टी को बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर किसी के साथ प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आ सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा गुजरता हुआ नजर आने वाला है। आपको इस वर्ष के अंत तक एक या दो बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। राशिफल 2021 संकेत कर रहा है कि सूर्य का मकर राशि में आना आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तब आप देखेंगे कि अचानक से आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ आपको प्रसन्नता देगा और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपकी हर कोई वाहवाही करता हुआ भी दिखने वाला है। आप कुछ ऐसे काम ऑफिस में कर सकते हैं जो कि संभव नहीं होने वाले थे। इन कामों की वजह से आपकी पदोन्नति होती हुई नजर आ सकती है। अप्रैल और मई समय कुछ ऐसा होगा कि इस समय आपके सभी काम बनते हुए नजर आ सकते हैं। जमीन और जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी मामला यदि अटका हुआ था तो वह भी इस समय में पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। वर्ष 2021 में यदि स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी सामान्य ही जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वर्ष हल्की बीमारियां आपको घेर सकती हैं। जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं तो उनको अपना ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली होगी। फिजूल खर्च पर बात की जाए तो आप इस वर्ष काफी पैसा लुटाते हुए नजर आ सकते हैं। आप यात्राओं पर पैसा लुटाएंगे, आप पार्टी करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप फिजूल खर्च से यदि बच पाए तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बंधुओं, ये था वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, घंटी दबाएं और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। कमेंट बॉक्स पे जाएं और जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।